नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी है मेरे साथ में। अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण एक खबर पर चर्चा करने के लिए चर्चा यह है कि भारत ने हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित IPEF में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया है। क्या यह इस कारण से हुआ कि अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को F-16 विमानों के अंदर $450 मिलियन में सहायता देने की बात की थी? क्या है ये पूरी कहानी, आइए विस्तार से जानते हैं। इंडिया ने क्या मतलब सेम डे एक हाथ दे एक हाथ ले कर दिया है, क्या है, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं, पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका ने ऐसा क्या प्रस्तावित किया था, तो ये था ट्रेड नेगोशिएशन, किस नाम से जाना जाता था, IPEF। कितने पिलर्स थे इसके अंदर, चार पिलर्स थे, कोई मकान नहीं था जिसके चार खंभे लगा दिए हों। चार मुख्य बातें थी, उनमें से हमको एक पसंद नहीं आई, हमने कहा सॉरी हम नहीं कर पाएंगे। पूरी बात को विस्तार से समझते हैं साथियों। इस बात को समझें उससे पहले एक बार के लिए न्यूज़पेपर्स की कटिंग देख लीजिए। इंडिया ऑप्ट आउट ऑफ US लेड IPEF's ट्रेड नेगोशिएशन। इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग द डिक्लेरेशन ड्यू टू कंसर्न ओवर कमिटमेंट ऑन एनवायरमेंट, लेबर, डिजिटल कमर्स एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट। समझाऊंगा इसका मतलब, केवल अब तो न्यूज और तारीख पर नजर डाल दीजिए, बाकी सब कुछ मैं समझा दूंगा आप लोगों को। इंडिया ने मना क्या किया है वो हम बताएंगे। तो इंडिया ने, अब ये थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा, बार बार मैं इसकी जगह IPEF बोलूंगा, आप इसे इंडो पैसिफिक ट्रेड पिलर के रूप से समझते हुए चलें, है ना। क्या है इस पूरी कहानी को मैं आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये बात है मई 23, 2022 की, तारीखों के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो चीजों को ढंग से समझ पाएंगे, चीजों को रिलेट करते चलिएगा। मई 23, 2022 की खबर है कि इंडिया ने बाइडेन के द्वारा प्रस्तावित एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम था इंडो पैसिफिक ट्रेड इनिशिएटिव, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था, उसमें पार्टिसिपेट करने के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। एक प्रकार से इंडिया ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिसका नाम है मैं पेन का यूज करता हूं आज बहुत दिनों बाद, IPE और ये रहा F, इन चार शब्दों को एक बार के लिए देख लीजिए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये वाली जो घटना मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये तारीख है असल में मई 2022 की। इंडिया इसके अंदर शामिल होने जापान गया था। यस्टरडे इन टोक्यो वी लॉन्च्ड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्गर, फेयरर एंड रेजिलियंट इकोनॉमी फॉर फैमिलीज, वर्कर्स, बिजनेसेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन इंडो पैसिफिक रीजन। बाइडेन ने इसको प्रस्तावित किया था। ये सारी की सारी खबरों की तारीखें हैं जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रही हैं साहब। अब ये जो तारीखों से मैं बार बार आपको फोकस करने की बात कर रहा हूं, मई के अंदर की ये न्यूज है, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अब सितंबर चल रहा है। अच्छा, IPEF जो है ना, इसकी चर्चा होने को तो शुरू अक्टूबर 2021 में ही हो गई थी, आज से एक साल पहले, जब बाइडेन ने कहा था ईस्ट एशिया समिट के अंदर कि हम लोग अपना एक ग्रुप बनाएंगे। अब आप में से कईयों के ऊपर से जा रहा होगा ये कि क्या है ये, चल क्या रहा है ये, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बेसिक रूप से समझाता हूं। देखिए, दुनिया भर में सारे देश आसानी से व्यापार करें, मन मर्जी व्यापार करें कि भाई मुझे इंडिया से, इंडिया का होते हुए अमेरिका से कोई सामान चाहिए कि, या फिर मुझे मान लीजिए ब्राज़ील से कोई सामान चाहिए कि मुझे उज्बेकिस्तान से कोई सामान चाहिए, हम सब ने आपस में एक तरह से वैश्विक देश होने के नाते कुछ बातें डिस्कस की, उन्हें हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बनाया, उसके माध्यम से हमने एक दूसरे के लिए शर्तें रख दी कि भाई देखो हमको ये चाहिए होगा तो हम तुमसे इतना टैक्स वसूलेंगे, जिसके पास जो ज़्यादा होगा उसके ऊपर इतना टैक्स लगाएगा, ऐसे करके हमने आपस में कुछ बातें कर ली। लेकिन फिर क्या हुआ, WTO पूरे दुनिया भर के देशों के साथ एक बहुत बड़ा नियम पालना करवाता है, और नियम पालना क्या है कि अगर किसी ने भी एक बार मना कर दिया, यानी कि हर देश के पास वीटो पावर है, मतलब एक देश ने कह दिया कि नहीं मुझे नहीं जच रहा ये, तो फिर वो एग्रीमेंट लागू ही नहीं होता। अब 164 देश एक बार में कोई भी फैसला बिगाड़ दें तो फिर काम बिगड़ जाएगा। इसलिए दुनिया के देशों ने कहा कि व्यापार के मामले में हम अपना अपना हिस्सा वो बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे।
आप पूछेंगे क्या ये ग्रुप वैसा ही है जैसे नाटो है, वारसा है? नहीं नहीं, वो तो लड़ाई झगड़े वाले ग्रुप है ना, जिनके अंदर सेना भी इन्वॉल्व है। व्यापार के लिए दुनिया भर के देशों ने आपस में कुछ संगठन बनाने शुरू किए, जैसे आसान भाषा में बताऊं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आपने नाम सुना होगा, आसियान कंट्री जिसे हम कहते हैं, 10 देश हैं। उन 10ों ने आपस में यह कह रखा है कि यार तुम्हारा सामान हमारे आएगा, हमको टैक्स नहीं लेना, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोपियन यूनियन। इन देशों ने, 27 देश हैं, आपस में ये नियम बना रखा है, एक देश का नागरिक दूसरे देश के अंदर नौकरी भी करने जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बॉर्डर बिना दिखाए क्रॉस कर जाएगा, या फिर व्यापार के नाम पर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, 27 की 27 देश एक देश बन के रहते हैं, यानी कि एक प्रकार से रीजनल संगठन बनने लगे। इंडिया ने नहीं बनाया क्या कोई रीजनल संगठन? बनाया था ना, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, सार्क जिसे आप कहते हैं, ऐसे ही बिम्सटेक हमने बनाया था। ये सारे संगठन हमने भी बनाए कि भाई छोटे छोटे लेवल पर हम भी अपने देशों के बीच में बिना किसी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन के व्यापार करेंगे। आ गई बात समझ में? हर देश, जैसे यूरोप ने यूरोप में बनाया, आसियान ने आसियान में बनाया, अब अमेरिका पड़ा रह गया अकेला। कहां पड़ा रह गया? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। दुनिया रह गई दूसरी तरफ, वो बेचारा अकेला पड़ा रह गया। अब उसने क्या किया, अपने साथ व्यापार आसान बनाने के लिए बाकी देशों को बुला करके कहा कि तुम लोग मेरे साथ आओ और व्यापार करो। तो अमेरिका की बात सुनकर के और देश चल पड़े, बोले ठीक है करते हैं, बताओ क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने चाइना को देख लिया एशिया के अंदर लीडरशिप दिखाते हुए कि यार चाइना जो है ना वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रहा है। आपको याद होगा 2 साल पहले की घटना है, इंडिया ने कहा था कि मैं RCEP में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं। अगर आपने 2019 के समय UPSC की तैयारी की है तो आपको याद होगा मैंने खूब पढ़ाया, 2019-20 का ये हॉट टाइटल था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा था, इंडिया ने लास्ट मोमेंट में मना कर दिया। 15 देश आपस में जुड़ करके आज भी काम कर रहे हैं। अमेरिका ने देखा ये सही है यार, मैं दिखा दूं ताकि आपको ये सारी चीजें याद रह जाए, दैट इज RCEP। ये 15 देश हैं जो यहां पर शामिल थे, कौन कौन से? पूरे आसियान के आसियान 10 कंट्री, उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया है ना, इसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब इसके अंदर शामिल थे। अमेरिका को बड़ा बुरा लगा, यार ये तो गजब हो रहा है, मेरे बिना ही चल रहा है सारा काम। फिर उसने कहा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कर लेते हैं अपन, पैसिफिक ओशन के एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ आसियान कंट्री, ट्रांस पैसिफिक कर लेते हैं। 11 देशों को बुलाया गया, अमेरिका की तरफ से जब ट्रंप आए उन्होंने कहा मैं नहीं कर रहा ट्रांस पैसिफिक, इसमें भी नुकसान है, अगर दुनिया भर के देश मुझसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पर दुनिया भर का माल मसाला अमेरिका में आके बिना टैक्स के बिकेगा, अमेरिका में बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। ट्रंप निकल गए बाहर, इस बार साहब बाइडेन आए। देखो किस किस में नहीं गया, RCEP में नहीं गया अमेरिका, जो कॉम्प्रिहेंसिव ये था जो आपका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसमें नहीं गया, बोले नहीं अपन नहीं करेंगे ग्रुपिंग। क्यों? क्योंकि अमेरिका को सबसे बड़ा डर क्या है कि अगर इंडिया की तरफ से या कोई सी भी देश की तरफ से कोई सस्ता माल उसके यहाँ पहुंच जाएगा तो उसका मार्केट बिगड़ जाएगा, तो बोले नहीं अपन नहीं कर रहे। लेकिन साहब इस बार आए बाइडेन, उनने कहा अपन एक काम करते हैं, अपन अपनी टीम बना के मैच खेलेंगे। बोले अपनी टीम में आप रखोगे कौन? बोले अपने जैसे लोग रखेंगे। बोले ठीक है बनाओ भाई। तो इन्होंने अपनी टीम बनाई जिसका नाम था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, दैट इज IPEF। इंडिया को बुलाया गया, इंडिया ने बहुत अच्छे से कहा हाँ हाँ हम खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे। ये देख लीजिए 13 देश इसमें शामिल किए गए, 13 देश इसमें शामिल किए गए, इंडिया के आगे भी बिंदी लगी है, इंडिया ने भी कहा हम भी खेलेंगे, इंडिया भी आ गया, US भी आ गया। तो आप देखिए इन बाकी सब में RCEP और TPP में कहीं पर भी US नहीं है और ना ही इंडिया है, इंडिया और US समेत ये IPEF बनकर तैयार हो गया कुल 13 देशों के साथ में। तो देखो ये मैप के अंदर 13 देश दिखाई दे गए, ये मैं लिखित में नाम आपको दिखा देता हूं कहां गए, ये रहे 13 देश। कौन कौन से होगा एक बार पढ़ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ठीक है। चलिए अब मैं एक चीज और यहां पर आपको हल्की सी ऐड और करा देता हूं। बोले अपन लोग है ना 13 देश जो मिलकर के काम करेंगे ये आपस में कुछ निर्धारित नियमों के ऊपर ही बात करेंगे। बोले किन नियमों पर बात करेंगे? बोले अपने व्यापार करने के 4 मेन पिलर रहेंगे। UPSC और स्टेट PCS की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिए कि आप ये 4 पॉइंट अच्छे से याद कर लें, है ना, और विशेष रूप से जो भी स्टेट PCS के इंटरव्यू देने वाले हैं वो भी याद कर लें। ये 4 मेजर पॉइंट है साहब जो आपको ध्यान करने, जिनको लेकर के IPEF बना था, यानी कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए 4 चीज, कौन कौन सा? 1 नंबर पॉइंट था ट्रेड, व्यापार, जिसको लेकर आपस में ये लोग बात करेंगे। 2रा पॉइंट था सप्लाई चेन रेजिलियंसी,
क्या मतलब होता है ये भी मैं बताऊंगा। तीसरा पॉइंट था साहब क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बोनाइजेशन, यानी कि फ्री एनर्जी और बिना कार्बन की एनर्जी। और चौथा पॉइंट था टैक्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंटी ब्राइब स्कीम, ये जो ना टैक्स एंड एंटी करप्शन, ये नंबर हो गया चौथा नंबर। ध्यान से सुन लीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट था व्यापार, इस पर हम बोले आपस में चारों सब लोग बैठ करके बात बनाएंगे, सप्लाई चेन रेजिलियंस के अंदर हम बात बनाएंगे, इसी प्रकार से क्लीन एनर्जी और डीकार्बोनाइजेशन पर हम नियम बनाएंगे और टैक्स एंड एंटी करप्शन पर भी हम नियम बनाएंगे। ये चार मुख्य मुद्दे इनके द्वारा रखे गए। अब ध्यान से एक बात और समझ लेना, शुरुआत 13 ने की थी, इसके बाद इनमें एक देश और आकर शामिल हुआ, उसका नाम था फिजी। मैं आप उसके न्यूज दिखाना चाहूंगा आपको एक बार कटिंग के रूप में, शुरुआत जिनसे, हाँ ये देखिए ये फिजी की न्यूज है, न्यूज की तारीख हम यहां पर निकालना भूल गए हैं। फिजी ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, यानी IPEF में 14 कंट्री शामिल हुए। ध्यान से देख लेना, शुरुआती रूप से जब हमने आपको बताया था 13 कंट्री, उनमें कहीं पर भी फिजी का नाम नहीं है, FIZI कहीं पर भी नहीं है। फिजी को बाद में शामिल किया गया, जब ये बन करके तैयार हुआ तब फिजी नामक देश ने कहा। फिजी कहां पर है मैं दिखा देता हूं, एक पैसिफिक ओशियन कंट्री है। देखिए ये सारे के सारे देश देख लीजिए, यहां पर एक छोटू सा देश है जिसका नाम है फिजी, टोंगो, समाओ, तुवालू, वेनुटवालू, इनके बीच में एक छोटा सा देश है फिजी, इसने कहा हम भी शामिल हो रहे हैं। ठीक है साहब, अच्छा चार पिलर हुए, ट्रेड हो गया, सप्लाई चेन रेजिलियंस हो गया, क्लीन एनर्जी डीकार्बोनाइजेशन हो गया, टैक्स एंड एंटी करप्शन हो गया। बोले इन चीजों पर अपन लोग आपस में काम करेंगे। बोले साहब ठीक है, इंडिया ने भी कहा ओके। अब देखो होता क्या है, जब सारे देश बैठ करके बातचीत करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जब भी कहीं मिले हों, मान लीजिए किसी दोस्त की शादी में मिल गए हों, किसी दोस्त की बहन की शादी में या भाई की शादी में मिल गए हों, सब दोस्त आपस में बैठेंगे और बैठ करके फिर लंबी लंबी फेंकेंगे। क्या फेंकेंगे? यार बड़ा मजा आ रहा है, बहुत दिनों बाद अपन मिले, अब क्यों ना अपन ऐसा करें, इस बार भाई साहब एक बढ़िया पार्टी करते हैं। बोले कहाँ करें? बोले यार इस बार ना अपन एक काम करते हैं, अगले महीने उस दिन इतने दिन तारीख की छुट्टी आ रही है, अपन सब लोग मिलकर के मोटरसाइकिलें लेकर के और यार पिकनिक पे चलेंगे यार। ओ भाई साहब सबने प्लान एकदम टाइट बना लिया, हर आदमी ऐसे सीट से निकल निकल के हाँ कर रहा है भाई साहब, अरे भाई साहब मैं आपके साथ हूँ, सब चलेंगे एकदम। ऐसे ही इन 14 की 14 देशों ने अमेरिका के सामने कसमें खा ली कि भाई साहब आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, अपन पार्टी करेंगे, एज इट इज चल रहे हैं आपके साथ, सब तैयार हो गए। बोले आओ। अब तारीख नजदीक आई, अब सबको घर में अपने पापा मम्मी की आवश्यकता पड़ी, पूछना पड़ेगा ना कि हम जाएं कि नहीं जाएं, और हम जैसे शादीशुदा लोगों को घरवाली से पूछना पड़ेगा कि साहब जाएं कि नहीं जाएं, पता चले उनने कोई ऑलरेडी प्लान बना रखा है बच्चों के साथ, तो अब क्या करें, घर में पूछना पड़ता है। घर में पूछना पड़ता है तो पता चला, अरे यार सॉरी यार, घर में आज यार फंक्शन है यार, दीदी के यहाँ फंक्शन है यार, आज हमारे यार ये काम पड़ गया यार, बाइक पापा जी ले गए यार, बन गए बहाने। अंत में क्या होता है, आपका प्लान पूरा की पूरा चौपट हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही IPEF के साथ हुआ। जब ये लोग बाइडेन के सामने बैठे तो बाइडेन को खुश करने के लिए कि यार बूढ़ा खुश हो जाएगा, आराम रहेगा, भाई दे फेंच फेंच के सबने हाँ कर दी, हम साथ हैं हम साथ हैं, आई डू करके आ गए। अब जब उसने बुलाया इन सबको कि यार एक काम करो, आ जाओ बैठ करके एक बार साइन वाइन कर लें जो बात हुई थी, पीयूष गोयल जी एकदम तैयार व्यार होकर बोले अपन चल रहे हैं, अपन मीटिंग में बैठेंगे, बात करेंगे, हम साहब चल दिए यहां से। पीयूष गोयल जी पहुंच गए, बोले पीयूष गोयल जी यहां पर 3 सितंबर को रवाना हो गए, बोले यार अपन जाएंगे बात करेंगे, ये न्यूज देखो 9 सितंबर की, बकायदा सब लोग टेबल टाबल पे बैठ के एकदम चर्चाएं हो रही हैं, यहां साहब हम साथ हैं, हम साथ साथ हैं, कसमें वसमें खा रहे हैं, सब लोग बढ़िया है। इंडिया ने भी लिख दिया अपने बढ़िया तरीके से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड ने अपने द्वारा जानकारी निकाल दी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग वॉज इंक्लूसिव एंड फ्रूटफुल, ये हो गया, और हम 14 देशों ने मिलकर के ये रूल डिसाइड कर लिए कि हम कैसे कैसे करेंगे और क्या होगा, और 10 सितंबर को ये न्यूज बाहर आ गई। 10 सितंबर बोले तो कल की बात है, बहुत बढ़िया हो गया। अचानक न्यूज आती है, क्या? इंडिया स्टे आउट ऑफ ट्रेड पिलर एट इंडो पैसिफिक मीट। हैं यार, ये तो तुमने न्यूज दे रखी थी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बहुत बढ़िया चीज है, ये होगा, मिनिस्टर विल पिल काउंटर पार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, डिस्कस वे ऑफ बूस्ट बायलेटरल, बढ़िया बढ़िया बातें लिख रहे थे आप। अभी क्या हुआ, इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया स्टे आउट ऑफ ट्रेड पिलर ऑफ द इंडो पैसिफिक मीट, ये क्या हुआ है? ये जो मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग के अंदर अचानक से ये कहां से निकल के आ गया? अमेरिका में मीटिंग चल रही थी, लॉस एंजलिस में। बोले ये क्या हो गया भाई साहब? बोले ये कुछ नहीं हुआ, पीयूष गोयल जी ने कहा कि सुनो बाकी तो सब बात सही है। बोले फिर ये चार खंबे लगाए थे ना आपने? बोले हाँ, इसमें से एक खंबे से अपन को ऐतराज है।
एक पिलर जो है ना वो पसंद नहीं है अपन को। बोले कौन सा? बोले ये जो ट्रेड वाला पिलर था ना, इसलिए मैंने आपसे कहा था एस्पिरेंट्स यूपीएससी वाले ध्यान दें, ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी एंड डिकार्बोनाइजेशन एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन, ये चार शब्द याद कर लीजिएगा। इन चार शब्दों के ऊपर ही सारी की सारी बात टिकी हुई है। बोले हमको एक चक्कर है साहब इसमें, हमको बाकी तो सब सही है, आप जो चल रहे हो ना वो सब सही है, दिक्कत हमको ये है कि आपने जो नियम बनाए हैं ना इसमें, जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिजिटल इकोनॉमी, ये सब शामिल करने की बात की है। दिक्कत ये है कि हम चाहते हैं कि जितनी भी कंपनी है बड़ी वाली वो इंडिया के अंदर अपना डेटा लोकलाइज्ड करें। अब बोले ये क्या है? बोले जैसे अमेरिकन कंपनी है फेसबुक, इंस्टा या फिर ये गूगल या फिर ये जितनी भी एप्पल फैपल जो भी हैं, ये जो इंडिया का डेटा लेकर के अपने साथ चली जाती है ना, हम चाहते हैं कि वो डेटा इंडिया में स्टोर हो। हमें थोड़ा सा मामला इसमें गड़बड़ है क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमने आपके साथ ट्रेड का व्यापार कर लिया, पता चले आप अपने हिसाब से सारे नियम बना दिए, हमें इस पॉइंट पर ऐतराज है। किस पर? डिजिटल इकोनॉमी वाले प्लेटफॉर्म पर ऐतराज है। हम ये चाहते हैं कि ये जो गुड्स मतलब गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस है ना, मतलब ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रांसपेरेंसी, इन मामलों में दिक्कत है साहब हमको। दूसरा क्या है कि आप लोग लेबर के नाम पर किसी भी चीज में कोई ना कोई दिक्कत खड़ी कर देते हैं। आपको पता है इंडिया का अल्फांसो आम कई बार अमेरिका इसलिए नहीं मंगाता ये कह करके कि बच्चों से फल तोड़वाए इन्होंने, और इस आधार पर साहब आम की बैन हो जाती है। आप सोच के देखिए, हमारे यहाँ चलते फिरते बच्चे अनार तोड़ के, अमरूद तोड़ के फेंक जाते हैं, समझ रहे हैं? कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रेड वाला मामला है ना, बोले ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बाकी तीन पर ओके है। अब तीन में से एक भी जगह प्लान कटा तो इंडिया कट गया, तो 14 में से इंडिया फिर हल्के से बाहर हो लिया। मतलब आप सोचो, इंडिया ने तब से इनको लेकर के यहां तक बिठाकर इस कमरे में बिठाया ना, तब तक इनके साथ था, ये बढ़िया से कमरे में बैठ के बातचीत कर रहे थे। कहां गई वो फोटो जिसमें ये सब लोग टेबल पे बैठ के बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, अरे पेपर पे साइन वाइन हो रहा है, सब लोग फोटो खाटो खिंचवा रहे हैं, ये देखो अंदर कमरे में बैठे हुए हैं। इंडिया एकदम बाहर आ जाता है, सॉरी सर मैं नहीं खेल रहा, अरे क्यों? पर पापा ने मना कर दिया, इंडिया बाहर हो गया। इंडिया बाहर हो गया, अमरीका ने कहा अरे यार ये क्या हो गया, हमारी बात ही नहीं चल रही। खैर इंडिया को फिर मनाया जाएगा क्योंकि इंडिया की अपनी दिक्कतें हैं। इंडिया कह रही है कि साहब देखो बात ऐसी है, हमारे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस चक्कर में तो हमने अपना बिल वापस ले लिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम किसी के साथ करना नहीं चाहते, चाहते तो हम आरसीईपी में पहले ही चले जाते, इसलिए हम हर चीज को देख देख करके चलेंगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया करके हमको इसमें शामिल ना करें। अब साहब जैसे ये बात आई ना, लोगों ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ने इनको अपने द्वारा सीधी सीधी एक बात बता दी। बोले क्या? कि और करो पाकिस्तान की मदद। ये न्यूज़ भी तो 11 तारीख की है। कौन सी? मैंने दो दिन पहले आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? पाकिस्तान को अमेरिका क्या दे रहा है, $450 मिलियन में F-16 के अंदर F-16 इक्विपमेंट दे रहा है। इक्विपमेंट बोले तो कि तुम्हारे जो जहाज़ हैं अगर वो ख़राब हो गए तो उनको सुधार दूंगा मैं, उनके अगर पंख वंख खराब हो गए तो मैं सुधार दूंगा, उसमें बम गोले खराब हो गए तो ठीक ठाक कर दूंगा, मैंने तुमको $1.5 बिलियन का लोन दिलाया, $450 बिलियन उसमें से मेरा कट दे दो। इंडिया ने कहा ये नहीं चलेगा साहब, आप एक तरफ हमसे बात कर रहे हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान से। इंडिया ने रजिस्टर कर दिया स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद यूएस एस बाइडेन गवर्नमेंट अप्रूव F-16 फ्लीट सिस्टम। लोग तारीखें मैच कर रहे हैं, एक तरफ 11 तारीख को इंडिया ने प्रोटेस्ट दर्ज कराया है और 10 तारीख को पीयूष गोयल जी ने कहा हम नहीं खेल रहे। तो भाई साहब अमेरिका का तो पूरा की पूरा कचरा हो गया, क्योंकि ये जो 11 देश बाकी देश बिठाए थे वो तो बहुत छोटे छोटे देश थे, कर तो सारा काम इंडिया के लिए रहा था। तो बाइडेन का जो मतलब जो तरीका था जिसमें उसने 450 मिलियन का यूएस मतलब ये F-16 फ्लीट सस्टेनेबल प्रोग्राम चलाया था, इंडिया ने उसको पलट के धर दिया। इंडिया ने कहा दे लो तुम, फिर तुम ही खेल लो, हम नहीं खेल रहे। अच्छा इस बीच में इमरान खान फिर निकल के आ गए, इनने कहा देखो मैंने पहले ही कहा था आपसे, आपने अगर मेरा वो देखा हो ना F-16 वाला, 3 दिन पहले मैंने वीडियो कराया, टेक्निकल टीम अगर जग रही हो तो निवेदन करूंगा कि कमेंट बॉक्स में पिन कर दो, अभी परसों ही कराया शायद मैंने टाइटल, है ना। मैं आपको बता रहा था इसमें मैंने अंकित इंस्पायर पे कराया था वो, कि दोहरा चरित्र, अमेरिका का चरित्र उजागर करके, ठीक है। तो उसमें क्या था कि मैं आपसे कह रहा था कि ये बेचारा मतलब पता होगा इसको तो, ये निकल के वापस आएगा और कहेगा कि भाई मैंने देखो क्या बोलते हैं पहले ही कहा था कि मुझको अमेरिका वालों ने मतलब अमेरिका वालों ने सरकार गिराई थी, ये फिर से निकल के बाहर आ गया। मैंने कहा था ना देख लो, इसका वीडियो सुना दूं मैं आप लोगों को, फिर आप मनोरंजन करके सोइएगा, रात को फिर आप हाई हो जाएंगे। देखो मेरे को इस मतलब चेहरा देख के दया आ जाती है, ये सच बोल रहा है। ये इसने कहा था कि मेरी सरकार डोनाल्ड लू ने गिरवाई थी, ये वही है जो इकोनॉमिक एडवाइजर है ना इनका इस क्षेत्र का,
इसने कहकर के मेरी सरकार पलटवाई थी, बेचारा भाई सही बोल रहा है ये, ठीक है ना। इंडिया ने साफ साफ कह दिया था कि सर चलेगा नहीं। इंडिया के डिप्लोमेट ने कहा F-16 फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट की बिक्री जो है ना, ये हमको नहीं चाहिए। अमेरिका ने फिर आकर के अपनी सफाई दी। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड लू आए, इन्होंने कहा कि देखो हम कुछ नहीं कर रहे, हमने 40-40 साल पुराने उनके पास F-16 रखे हुए हैं, उनकी सर्विसिंग करेंगे, अगर नहीं करे तो वो जहाज उड़ते उड़ते गिर जाएंगे। पहले ही आपके अभिनंदन ने MiG-21 से तो उनका F-16 उड़ा के गिरा दिया, अब उनकी थोड़ी रिपेयरिंग कर लेने दो, अदरवाइज मामला खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो सफाई वफाई तो दे लिए, खैर कोई बात नहीं जी, जैसा भी है। फिलहाल के लिए जानकारी इतनी ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे साझा करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है Ankit10, जिसका यूज़ करके आप पा सकते हैं Unacademy पर 20% डिस्काउंट nowadays इन UPSC कैटेगरी एंड SSC कैटेगरी, सभी जगह इंक्लूडिंग बैंकिंग, रेलवे, जिस भी कैटेगरी में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर आपको 20% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है कोर्सेज की प्राइस में। UPSC के कोर्सेज की विशेषता, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको बेहतरीन किताबें, बेहतरीन एडुकेटर्स, टॉपर्स, बहुत शानदार कोर्स आपके लिए उपलब्ध है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। और हाँ, इजी EMI ऑप्शंस के लिए आप Unacademy से 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन फैसिलिटी का भी लाभ ले सकते हैं। इस पूरे कंटेंट की PDF मेरे वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर या GK बाय अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त कर सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें आप तो हमारे द्वारा 30-30 टेस्ट का एक सेक्शनल लेंथ शुरू कर दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। शुभ रात्रि।